देखिए, अगर आप अपने ओवरऑल बॉडी को चौड़ा बनाना चाहते हो, मस्कुलर बनाना चाहते हो, तो सबसे जरूरी जो मसल से ट्रेन करना वो है आपका लैट्स मसल्स, यानी आपके बैक का सबसे बड़ा मसल्स। और अगर आप अपने इस मसल्स को अच्छे से ट्रेन कर लिया तो आपका बॉडी भी टेपर बन जाता है। भी टेपर यानी कि नीचे से आपका बॉडी पतला रहता है और ऊपर जाते जाते चौड़ा हो जाता है, और ये आपके बॉडी को एक अलग ही तरह की लुक देती है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जिसे आप अपने घर पे ही करके अपने बॉडी को भी टेपर लुक दे सकते हो। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और एक एक वर्कआउट को ध्यान से समझिएगा। एक्सरसाइज नंबर 1, लैटरल रिजेस। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये आपके शोल्डर को चौड़ा बनाती है, और जिससे कि आपका बॉडी ऊपर से चौड़ा होता है, और जब आप बैक की एक्सरसाइज को करते हो तो आपका बॉडी नीचे से पतला होता जाता है, और जो कि आपको एक भी टेपर लुक देती है। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको 2 डंबल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो आप ईंट, पानी का बोतल या फिर किसी भी चीज का यूज कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले अपने दोनों हाथों में ईंट को या फिर डंबल को पकड़ लेना है, और इसके बाद अपने कोहनी को थोड़ा सा मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर आना है, और कुछ इस तरीके का पोस्चर परफॉर्म करना है। तो इस एक्सरसाइज को आपको 3 सेट 15 से 12 रेपिटेशन के लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, बैंड ओवर फ्लाई। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये आपके बैक को चौड़ा बनाने के साथ साथ आपके शोल्डर को भी ग्रो करती है। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने दोनों हाथों में डंबल को पकड़ लेना है, और फिर आगे की ओर कुछ इस तरीके से झुक जाना है, और इसके बाद अपने कोहनी से अपने हाथ को थोड़ा सा मोड़ते हुए आपको कुछ इस तरीके से डंबल को ऊपर की ओर उठाना है। तो इस एक्सरसाइज को आपको 3 सेट 12 रेपिटेशन के लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, डंबल रो। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ना ये आपके बैक के विंग्स को निकालती है, और जिससे कि आपका बैक बहुत ज्यादा तेजी से चौड़ा होने लगता है। तो इस एक्सरसाइज को आपको कुछ इस तरीके से करना होता है कि आपको एक हाथ से थोड़ा सा हैवी डंबल को उठाना होता है, और फिर आगे की ओर झुकते हुए आपको अपने हाथों से किसी चीज का सपोर्ट लेते हुए कुछ इस तरीके से अपने डंबल को अप एंड डाउन करना होता है, और ऐसा पोस्चर परफॉर्म करना होता है। तो इस एक्सरसाइज को भी आपको 3 सेट 12 रेपिटेशन के ही लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, देखिए, बॉडी वेट एक्सरसाइज में बैक के लिए पुलअप से अच्छा कोई भी एक्सरसाइज नहीं हो सकता, क्योंकि पुलअप आपके बैक के लगभग सभी मसल्स को ट्रेन करता है, और साथ ही साथ आपके और कई सारे मसल्स को ट्रेन करता है, जैसे कि आपके बाइसेप्स हो गए, फोरआर्म हो गया। देखिए, आप पुलअप को किसी भी हैंगिंग बार के मदद से आसानी से लगा सकते हो, और अगर आपके पास हैंगिंग बार नहीं है तो आप अपने घर के छज्जे को भी यूज कर सकते हो। आपको सबसे पहले अपने घर पे किसी हैंगिंग बार पे या फिर किसी छज्जे पे अच्छे से ग्रिप बनाकर लटक जाना है, और फिर अपने बॉडी को अपलिफ्ट करना है। पुलअप लगाते वक्त आप एक बात का ध्यान रखें कि आप जिस रेंज ऑफ मोशन से ऊपर की ओर जाएं उसी सेम रेंज ऑफ मोशन से नीचे की ओर आएं। आप में से बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि वो ठीक धीरे धीरे ऊपर की ओर तो जाते हैं लेकिन झटके के साथ नीचे आ जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। एक्सरसाइज नंबर 5, बॉडी वेट रो। देखिए, जिस तरीके से हम लोग पुलअप को लगाते हैं ठीक उसी तरीके से इस एक्सरसाइज को बॉडी वेट के साथ ही किया जाता है, लेकिन इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अपने घर पे किसी भी मेज के नीचे या फिर अपने पलंग के नीचे कुछ इस तरीके से अपने पैरों को लेकर जाना है, और फिर उस मेज के कोर को पकड़ते हुए कुछ इस तरीके से अपने बॉडी को अप एंड डाउन करना होता है। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये आपके बैक को काफी ज्यादा तेजी से चौड़ा बनाती है, और साथ ही साथ अगर आपसे पुलअप नहीं लगाया जाता है और आप इस एक्सरसाइज को कुछ दिनों तक रेगुलर कर लेते हो तो आप आसानी से पुलअप लगाने लग जाओगे, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये आपके बैक को काफी ज्यादा तेजी से स्ट्रॉन्ग बनाती है, और जिससे आप आसानी से पुलअप लगाने लग जाते हो। तो इस एक्सरसाइज को आपको 3 सेट 16 रेपिटेशन के लगाने हैं। तो ये 5 तरह के एक्सरसाइज थे जिसे आप अपने घर पे ही करके अपने बैक को ट्रेन कर सकते हो और अपने बॉडी को एक भी टेपर लुक दे सकते हो। तो हमें नीचे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, और साथ ही इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।